वेलकम बैक दोस्तों। फैक्ट नंबर वन, अगर आप हमारे सूरज से एक छोटा सा कंकर जितना पार्ट बाहर निकालोगे तो उस पार्ट की टेम्परेचर तकरीबन 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होगी, और उस टेम्परेचर से बचने के लिए हम इंसानों को उससे तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर रहना होगा, वरना वो कंकर हमको जला के भस्म कर देगा। फैक्ट नंबर टू, सऊदी अरेबिया जहाँ पर भी देखो वहाँ पर रेगिस्तान और ऊंट मौजूद होते हैं यहाँ पर। तो फैक्ट ये है, सऊदी अरेबिया ऑस्ट्रेलिया से रेत मतलब सैंड इंपोर्ट करती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो सैंड है वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम नहीं आती, और उसी तरह ऊंट भी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुए जाते हैं, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया में कैमल्स होते हैं वो खाने के लिए उतने टेस्टी नहीं होते, वो ऊंट सिर्फ ट्रैवल करने के लिए काम आते हैं, इसीलिए सऊदी अरेबिया ऑस्ट्रेलिया से ऊंट भी इंपोर्ट करती है। तो हाल ही में एक न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में कैमल्स ज्यादा होने की वजह से वहाँ की मिलिट्री कई सारे कैमल्स को मार दिया था। फैक्ट नंबर थ्री, कोलंबिया में 8998 नाम की एक बटरफ्लाई प्रजाति पाई जाती है, और इस बटरफ्लाई के पंखों पर एक पंख पर 89 लिखा हुआ होता है और दूसरे पंख पर 98 लिखा हुआ रहता है, और इसी की वजह से इस बटरफ्लाई का नाम 89 और 98 रखा गया है, और ये चीज नेचुरल है, कुदरती है। फैक्ट नंबर फोर, तो चिली में एक डेसर्ट मौजूद है जिसका नाम है अटकामा डेसर्ट, और इस एरिया में तकरीबन 400 सालों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, और इस डेसर्ट का डायमेंशन है 1600 किलोमीटर। फैक्ट नंबर फाइव, क्रोकोडाइल्स की एक टेक्निक है, ये क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर डीप में जाने के लिए पत्थरों को खाते हैं, और वेट ज्यादा होने की वजह से वो क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर डीपली जा पाते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, नॉर्थ कोरिया में बहुत कठिन रूल्स और लॉस है, और इनमें से एक स्ट्रीट लॉ ये भी है, मतलब नॉर्थ कोरिया में जो कोई भी पर्सन बाइबल पढ़ता हुआ पकड़ा गया और उसी तरह पॉर्न वीडियोस देखता हुआ पकड़ा गया तो उस इंसान को मौत की सजा दी जाती है। फैक्ट नंबर सेवन, इस गेम को तो आप जानते ही हो, पोकेमॉन गो। तो हुआ ये, इस गेम की वजह से अमेरिका में 10 दिन में तकरीबन 1,10,000 एक्सीडेंट हुए थे। फैक्ट नंबर एट, आप अपने स्क्रीन पर जो ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो और इस वर्ल्ड मैप में एक सर्किल है, तो बात यह है, देर आर मोर पीपल्स लिविंग इनसाइड दिस सर्किल देन आउटसाइड ऑफ इट, मतलब जितनी पॉपुलेशन इस सर्किल से बाहर रहती है उससे भी ज्यादा इस सर्किल में मौजूद है, और इनमें से हमारा इंडिया भी एक है। फैक्ट नंबर नाइन, सिंगापुर में हगमी नाम का एक कोको कोला मशीन है, आप जब भी वहाँ पर जाओ तो इस मशीन को एक बार हक कर लेना, ये मशीन आपको एक कोको कोला फ्री में देती है। फैक्ट नंबर टेन, पगानी होयरा नाम की सुपर कार में तकरीबन 1400 टाइटेनियम से बने हुए बोल्ट को यूज किया जाता है, और एक एक बोल्ट की कीमत है तकरीबन $80, मतलब हमारे इंडियन रुपीस में 5700 रुपीस। तो इस तरह से इस कार के सिर्फ बोल्ट की कीमत कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 75,98,000 होगा, और इस कार की कीमत है 9 crores। फैक्ट नंबर 11, तो हुआ ये, इन द ईयर ऑफ 1988 में सोनी कंपनी ने तकरीबन 7 lakh कैमरास को मार्केट में पब्लिश किया था, तो उस कैमरा में कुछ खास लेंसेस होने की वजह से इस कैमरे के थ्रू हमारे बॉडी के अंदरूनी भाग भी दिखा करते थे। तो कुछ दिनों बाद सोनी अपनी गलती मानते हुए उन सारे कैमरेस को फिर से वापस ले लिया, और उस वक्त ये न्यूज बहुत सेंसेशनल थी। फैक्ट नंबर 12, इन द ईयर ऑफ 1980 एक बूढ़ा इंसान जिसकी उम्र तकरीबन 62 थी, तो एक एक्सीडेंट में इस बूढ़े इंसान की नज़र चली गई थी, मतलब ये आदमी अंधा हो गया था। तो ये एक्सीडेंट होने के 9 साल बाद इस बूढ़े आदमी के पास में एक बिजली गिरी, और इसकी वजह से इस आदमी की नज़र फिर से वापस आ गई। कुदरत का भी बहुत अजीब का खेल होता है। फैक्ट नंबर 13, हमारे बॉडी में जो डीएनए है वो डीएनए बनाना के डीएनए से 50% मैच करता है, और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हुई थी। फैक्ट नंबर 14, अगर मान लिया जाए बिल गेट के जेब से $100 नीचे गिर गए तो बिल गेट्स उस नोट को उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक बिल गेट्स उस नोट को उठाकर अपनी जेब में रख लेते इस टाइम पीरियड में बिल गेट्स तकरीबन $400 कमा चुके होते हैं, और उससे भी ज्यादा। फैक्ट नंबर 15, हमारे धरती पर जितने वार्स हुए हैं और उन वार्स में जितने लोग मर चुके हैं, मतलब जितनी तादाद में इंसान मरे हैं, उससे भी ज्यादा एक मच्छर काटने की वजह से कई सारे मौतें हुई है, मतलब मच्छरों से ऐसी कई सारी बीमारियां फैलती है। फैक्ट नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में एक पौधा है जिसका नाम है डेंड्रोसनाइड, अगर आप उस पौधे को गलती से भी छू लिया तो फौरन इंसान की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 17, दिन में ख्वाब देखने से आपका ब्रेन शार्प होने लगता है, और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हुई थी।
क्योंकि दिन में हमारा दिमाग एक्टिव में रहता है और ऑफ कोर्स एक्टिव दिमाग हमेशा फास्ट काम करने लगता है। फैक्ट नंबर 18, हमारे धरती पर जितने बीचेस है और उन बीचेस में जितने बालू का दान होता है, मतलब बालू में जो छोटे छोटे कंकरियां होते हैं, तो उससे भी 5 गुना ज्यादा हमारे आसमान में तारे मौजूद है। फैक्ट नंबर 19, तुर्कमेनिस्तान नाम का एक देश है और वहाँ के गवर्नमेंट ने इन द ईयर ऑफ 1991 से वहाँ के लोगों को, मतलब अपनी प्रजा को, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी चीजें फ्री में देते आ रहे हैं। काश हमारी इंडिया में भी ऐसा होता। अगर कोको कोला में कोई भी रंग ना मिलाया जाए तो कोको कोला का रंग ग्रीन होगा, उसका प्योर कलर वही है। फैक्ट नंबर 21, इन द ईयर ऑफ 2005 टर्की में एक इंसिडेंट पेश आया था। एक बकरी पहाड़ से नीचे गिर गई, पता नहीं कैसे गिर गई, तो इस बकरी के पीछे कई सारी बकरियां उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगे। जो स्टार्टिंग में ऊपर से नीचे गिरे थे वो सारे के सारे बकरियां मर चुकी थी और जो पीछे गिरे उन बकरियों को थोड़ी बहुत चोट आई थी क्योंकि वो बकरियां मरे हुए बकरियों पर गिरे थे, तो इस इंसिडेंट में तकरीबन 400 बकरियां मर गई थी। फैक्ट नंबर 22, तो इन द ईयर ऑफ 1800 में साउथ अफ्रीका में जैक नाम के एक बंदर को रेलवे की नौकरी मिल गई थी और उस बंदर को एज ए सिग्नल मैन के तौर पर वहाँ पर रखा गया था, तो वो बंदर तकरीबन उस जॉब को 9 साल तक किया था और इन 9 सालों में इस बंदर ने एक गलती भी नहीं की और बदले में इस बंदर को एज ए सैलरी के तौर पर एक बियर भी मिलता था। फैक्ट नंबर 23, पेपाल वेबसाइट के बारे में आप जानते ही हो। पेपाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए फेमस है, तो एक बार ये पेपाल वेबसाइट रेनॉल्ड नाम के एक इंसान के अकाउंट में तकरीबन 92 क्वाड्रिलियन के पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था, मतलब हमारे धरती पर जितना पैसा मौजूद है उससे भी 1000 गुना ज्यादा। तो उसके बाद पेपाल को ये बात पता चल गई और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सारे पैसे वापस ले लिया। इस तरह से ये आदमी एक दिन के लिए बहुत बड़ा रिच मैन बन गया था। फैक्ट नंबर 24, तो बोटेक्स नाम का एक टॉक्सिन होता है और इस बॉटल का 4 ग्राम जहर काफी है हमारी पूरी दुनिया को मिटाने के लिए। इतना खतरनाक जहर है ये, पता नहीं इंसान ऐसे खतरनाक जहर क्यों बनाते हैं। खैर, फैक्ट नंबर 25, इन द ईयर ऑफ 1977 में स्पेस से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी थी, तो वो साउंड्स कहां से आई थी अब तक पता नहीं चला और उस सिग्नल्स को वाव सिग्नल्स का नाम दिया था WOW, और ये सिग्नल्स तकरीबन 72 सेकंड्स तक आ रही थी और ये सिग्नल्स अमेरिका में मौजूद हुए एक बहुत बड़े टेलीस्कोप के जरिए से रिकॉर्ड की गई थी। तो आप भी ये सिग्नल्स एक बार सुनिए।